हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साक्षी जसवंत सिंह राजपूत में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी नवरात्रि बीत गई तो इसके बाद अभी दिवाली की तैयारी शुरू, छठ पूजा की तैयारी शुरू। तो इधर तो बहुत कम ही लोग छठ पूजा करते होंगे, जो यूपी बिहार के होंगे इधर बसे होंगे वो लोग करते होंगे। यहाँ भी पता करना पड़ेगा कि कौन छठ करता है, तो फिर हम लोग जाएंगे एंजॉय करने, देखने, पूजा में शामिल होंगे जरूर, पता तो करेंगे। और अभी आज मैं सुबह सुबह उठ के तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे जाना है वेलफेयर नहीं कह सकते हैं, लेक्चर, मतलब यहाँ अलग अलग क्लासों में नाम आता रहता है, जाना रहता है, लेक्चर वगैरह होते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका भी मिल जाता है, थोड़ी ज्ञान की बातें भी हो जाती हैं, बहुत सारे नॉलेज भी हो जाते हैं। तो आज है हमारा लेक्चर, मतलब गिने चुने लोगों का नाम है तो उसमें मेरा भी नाम है, तो मुझे लेक्चर में जाना है। तो मैं तैयार हो गई हूँ, वैसे तो सुबह सुबह का टाइम है तो कोई काम वाम नहीं हो पाया है। इस्माइली का भी तबीयत ठीक नहीं है तो उसको मैंने स्कूल नहीं भेजा है, तो वो सो रही है अभी। तो मैं उठ के बस अभी आज तैयार ही हो गई हूँ और कुछ किया नहीं, आके ही करूँगी। तो 9:30 बजे से फौजी साहब बोले कि तैयार हो जाना तो मुझे कॉल कर देना, फिर मैं छोड़ दूँगा। तो अभी बिल्कुल तैयार हो गई हूँ, कॉल करती हूँ उनको, फिर हमें छोड़ आएंगे, फिर लेक्चर हो जाएगा, उसके बाद आके बहुत सारे काम हैं तो करने हैं। तो चलिए अभी चलते हैं। वहाँ का तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि मैं वहाँ का सूट करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं होता है, जो चीज़ नहीं अलाउ है वो मैं नहीं कर सकती। रूल नियम जो होता है उसको, उसका उल्लंघन मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरे फौजी साहब बहुत ईमानदारी से ड्यूटी निभाते हैं तो वो हमेशा ही मुझे बोलते रहते हैं, और मैं इतनी समझदार हूँ कि मुझे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, तो जो है नियम मैं उसको पालन करती हूँ, बहुत अच्छे से पालन करती हूँ। बाकी जो दिखाने लायक रहता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं क्लास में और देखते हैं किस चीज़, क्या टॉपिक है, किस लिए बुलाया गया है। तो मुझे तो अच्छा लगता है अगर मेरा नाम आता है तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज थोड़ा सुबह सुबह था तो काम पूरा नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, आके काम कर लेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं, ठीक है। हे गाइस, तो अभी मैं आ गई थी क्लास के लिए, तो क्लास तो अभी बहुत देर से चलने वाला है हमारा, 10:30 बजे से है और फौजी साहब ने बता दिया था कि 9:30 बजे से ही है। तो इधर ये ऑरेंज के पेड़ लगे हुए हैं, फर्स्ट टाइम ना मैं ऐसे इतना नीचे नीचे फ्रूट देख रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है ना देख के कि क्या बोलूँ। मैं तो देख के बिल्कुल सरप्राइज हो गई कि अरे वाह, और इतने सारे नीचे भी गिरे हुए हैं लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है। एक दीदी बोल रही है कि खट्टे वाले ऑरेंज है इसीलिए कोई नहीं ले रहा है, और मीठे वाले होते शायद सब लेके चले जाते। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। हम लोग तब तक अभी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हमारी क्लास 10:30 बजे से है और बहुत पहले ही आ गए। चलो अच्छा है, इसी बहाने में जल्दी तैयार हो गई नहीं तो दीदी अब तक मैं सो रही होती। स्माइली का तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसके साथ साथ मैं भी सो जाती हूँ फिर। ये देखिए आप लोगों को घुमाती हूँ मैं, चलिए मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ सारा ये बागीचा। गांव की याद आ गई, हम लोग गाँव में, हमारा आम का बागीचा है ना, तो ऐसे ही मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, तो पास पास में आम बस देखा था इतना पास में, लेकिन ये ऑरेंज वगैरह हमने नहीं देखा था। वो भी खट्टे वाले हाँ, मीठे वाले होते तो तोड़ के ले जाते। मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा से, ये देखिए आप, इसमें तो अभी कम लगे हुए हैं और ये वाले पेड़ में सबसे ज़्यादा। अरे ये देखिए आप, इधर भी पूरे नीचे गिरे हुए हैं पूरे, ये देखिए आप। तो जल्दी आ गए हम लोग, थोड़ी बहुत मस्ती हो गई हमारी, चलिए अभी जाके क्लास में बैठ लग रहा है हमारी के लिए ही रखा है ना, बस हम ही लोग है ना, लग रहा है, लेकिन आई से थोड़ी 3-4 लोगों को लेक्चर। हाँ अब तक तो सारे आगे रहते। चलिए अभी जाके हम लोग क्लास में बैठ जाते हैं, बच्चे की तरह डिसिप्लिन वाले बच्चे हैं हम लोग, बहुत मस्ती हो गई अब चुपचाप से बैठ जाते हैं। हे गाइस, तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर और सुबह सुबह ही 2 पार्सल आ चुके हैं मेरे, ये किए और ये किए। ये ज्वेलरी है, इसको मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, अपनी ज्वेलरी कलेक्शन तो दिखाऊंगी, और इसमें देखते हैं क्या है,
कैमरे के सामने मैं नहीं खोल पाऊंगी, मैं दिखाती हूँ। विंटर अभी स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, तो मैंने नाइट सूट मंगाए थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, मुझे सुबह सुबह उठना पड़ता है ना, तो ये सब कपड़े में ना बहुत ठंडी लगती है। अभी नाइटी नहीं पहन सकती मैं क्योंकि सुबह उठने में बहुत ठंडी लगती है, तो मैंने नाइट सूट विंटर वाले मंगवाए हैं, तो वही है। और ये स्माइली और मेरा सेम मंगवाया है मैंने, सेम कलर। तो ये स्माइली के लिए, स्माइली को सॉफ्ट वाले नाइट सूट्स चाहिए थे, बोली थी मम्मा मुझे सॉफ्ट वाले मंगाना, तो मुझे अपने लिए मंगवाना था, तो मैंने सोचा कि चलो इसके लिए भी मंगवा लेती हूँ, मैचिंग मैचिंग हो जाएगा, हम तो वीडियो भी शूट करेंगे और पहनने में भी आएगा, क्योंकि उसको भी ना भी ऐसे गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ती है, और यहाँ भी तो हम लोग जब से आए हैं ना मतलब बस बीमार बीमार ही रह रहे हैं, तो अभी तो सर्दी लगने लगी है, उसको खांसी वासी सब हो गई है, तो आज तो उसको स्कूल भी नहीं भेजा था क्योंकि ज़्यादा ही तबीयत ख़राब लग रहा था मेरे को। तो फाइनली आ गया, अभी मैं पहनूंगी इसको, मेरे वीडियोस भी देखने को मिलेंगे इस नाइट सूट्स के। तो अच्छा, पता है क्या मतलब ये सारी चीज़ें ना ऑनलाइन बहुत सस्ती मिल जाती हैं, मार्केट में लेने जाते हैं ना तो इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं मिलती है, और महंगे भी बहुत मिलते हैं, लेकिन ऑनलाइन सस्ती मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है। तो अभी हो रहा है मेरा नया वाला क्वार्टर कलर, तो मैंने सोचा कि थोड़ा देख के आती हूँ और बता भी दूँगी कैसे कैसे करना है, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो चल रही है घर की कलरिंग, और ये जो पेंट वो लोग करके गए थे ना, तो उसको पहले छुपा के फिर से ऊपर से कलर चढ़ाना पड़ेगा, और इधर किचन में चिड़िया ने घोंसला लगा रखा है कबूतर का, हटाने में मुझे बड़ा दया आ रहा है लेकिन फिर भी हटाना तो पड़ेगा। हे गाइस, तो आज ना मुझे लग रहा है कि खाली पार्सल आने का डेट है, आज फिर से ये दो मेरे पार्सल आ गए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिस दिन पार्सल आते हैं उस दिन इकट्ठे कितने सारे आ जाते हैं, तो वही आज लग रहा है, सुबह से पार्सल आए जा रहे हैं। दो अभी पहले मैंने दिखाया था, फिर ये दो आ गए, तो देखते हैं इसमें क्या है। मुझे लग रहा है इसमें मैंने बैंगल्स मंगवाया था कस्टमाइज नाम वाले, तो शायद वही है। और ये मुझे लग रहा है कि दिवाली के लिए डेकोरेशन का सामान मैंने मंगवाया था, तो शायद यही हो सकता है, बाकी देखते हैं खोल के क्या है, दिखाऊंगी आप लोगों को भी। ठीक है, यस, वो बैंगल्स ही है। इसको आप कलीरे भी बोल सकते हैं, जो शादी में कलीरे पहनते हैं ना नाम वाले, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था तो मैंने मंगवाया था। मस्त है ना? मस्त है। अभी इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये तो डिब्बा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि दिवाली वाले ही आइटम होंगे, बाकी देखते हैं। आज लग रहा है मेरा कुछ काम नहीं होगा, पार्सल ही सारा ओपन करूंगी मैं, काम बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है बहुत। और आज ये मैंने सूट इसलिए पहना ना कि इस पर फाइनली आज वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले दो बार पहन लिया लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, तो आज मैंने फाइनली वीडियो शूट कर लिया। अभी मतलब आधा धुराया भी करना भी है और आधा मैंने शूट कर लिया, तो अभी शूट हो जाता है उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। ये विधान कलेक्शन, हाँ जी, मुझे लग रहा है कि दिवाली के ही आइटम हैं ये, मैंने वहीं से मंगवाया था।
पैकिंग इतनी ज़्यादा अच्छे से रहती है ना कि पूछो मत, मतलब एकदम मस्त पैकिंग रहती है, कहीं से कुछ भी ख़राब नहीं होगा इसलिए। नहीं तो कहीं कहीं की पैकिंग बहुत बेकार होती है, जैसे हम ये सब किसी ऐप से मंगाते हैं, ये तो मैं इंस्टाग्राम के स्टोर से मंगाती हूँ, तो प्राइवेट कोरियर होते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे से पैक करके होता है। यस, मैंने बोला था ना दिवाली वाले ही आइटम है ये। वाह बहुत ही प्यारा आया है, मैंने मतलब ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था। ये लाइटें भी हैं और ये ना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये देखा। ये कैंडल है, इसमें कैंडल जला सकते हैं। और ये जो सबसे मस्त चीज़ है, ये मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा। मुझे भी पसंद आ रही है, मुझे भी। मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ कितना ज्यादा सुंदर है ये। मैं दिखाती हूँ ये दोनों मुझे लेना है, ये साइड वाला, ये इधर लाइट ब्लू वाला एंड डार्क ब्लू वाला, इधर अच्छा लग रहा है। स्माइली जब भी नीचे जाती है ना खेलने तो बोलती है मम्मा जाओ मुझे बालकनी से देखो, तो मैं डोर बंद करके जल्दी से आती हूँ उसको देखने के लिए, और मुझे अच्छा भी लगता है। हे गाइस, तो अभी हो चुका है रात और आज रात को मैंने खाना नहीं बनाया था, हमें लच्छा पराठा खाने का मन किया था तो हमने ऑर्डर कर दिया था, तो ऑर्डर कर दिया, फिर भी किचन से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। फौजी साहब आते हैं बहुत लेट से, तो हुआ यूँ कि ठंडा हो गया रहता है, तो फिर से पूरे तवे पे बोला उन्होंने कि घी लगा कर उसको अच्छे से सेको फिर खाएंगे, तो बहुत ज़्यादा घी डाल के, तो मुझे भी देखने में काफ़ी टेस्टी लगा। पहले तो मैं बोल रही थी अरे नहीं यार ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन जब देखा मैंने कि वाह ये तो बड़ा टेस्टी सा दिख रहा है घी लगा के, खूब ज़्यादा घी डाल के उसके ऊपर ऐसे करके, तो ये देखिए इधर हो रहा है तवे पे, तो मैंने बोला कि चलो मैं अपना भी कर लेती हूँ, नहीं तो पहले मैंने सोचा था कि मैं अपना ऐसे ही खा लूँगी और फौजी साहब का गर्म करके दे दूँगी, लेकिन फिर कर लेती हूँ। तो चलिए अभी हम लोग खा लेते हैं पनीर की सब्ज़ी। लच्छा पराठा ऑर्डर किया था तो आज मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा, तो चलिए अभी इस ब्लॉग को भी यहीं एंड कर देते हैं, मिलते हैं अभी कल। बाय, गुड नाइट।